हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आप जानते हो कि कल मैंने वैक्सीन लिया था। यदि आपने कल वाली वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, और यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो दोस्तों, जब मैंने कल सुबह 11 बजे मैंने वैक्सीन लिया था, तो उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल फिट था। और पूरी शाम तक मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ऐसे हंस रहा था, खेल रहा था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजा तो पूरी बॉडी में जो है पेन होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे करते हुए वो पेन बढ़ता गया, और 8:30 बजे जाके मेरे को हार्ट बुखार आ गया था। बुखार आने के बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि जैसे ही बुखार आएगा तो आपको एक पैरासीटामोल खा लेना है। तो मैंने खाना खाने के बाद उस पैरासीटामोल को खा भी लिया था, लेकिन देर रात तक मेरे को बुखार काफ़ी टाइम तक चढ़ा ही रहा, वो बुखार उतरा ही नहीं। लास्ट में रात को 2 बजे जाके बुखार थोड़ा आराम हुआ, और नींद भी नहीं आ रही थी, और शरीर में तो इतना दर्द था ना कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा ही दर्द था। फिर मैं सवेरे जो है 9 बजे उठाऊँ सो के, मतलब यूँ समझो कि वैक्सीन लगाने से 1-2 दिन के लिए बुखार आता ही है। लेकिन अभी मैं ऑफिस में हूँ, सवेरे 10:30 बजे ऑफिस आया था, बहुत ज़्यादा मैं दर्द हो रहा था, इसी कारण से मैंने आधा घंटा लेट कर दिया और मैं 10:30 बजे ऑफिस आया था। तो मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बहुत एक दिन या 2 दिन तो रात को फीवर आता ही है, लेकिन आपको एक पैरासीटामोल खा लेना है, उससे आपका बुखार आराम हो जाएगा और जल्दी उतर भी जाएगा। लेकिन मेरे को देर रात तक जो है बुखार उतरा नहीं था, 2 बजे रात को जाके बुखार उतरा, तब जाके मैं सोया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और डर भी लग रहा था, और पूरे शरीर में इतना पेन हो रहा था कि पूछो ही मत, नींद ही नहीं आ रही थी। और जब मैं सवेरे उठा तो सवेरे भी देखा कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उठा ही नहीं जा रहा था। मैंने सोचा कि आज ऑफिस भी नहीं जाऊंगा, छुट्टी मार लूंगा, लेकिन आज शनिवार था तो इस कारण से मैंने छुट्टी नहीं मारा। और जैसे ही मैं ऑफिस आया तो ऑफिस के और जितने भी लड़के थे वो सारे अभी गए हुए हैं वैक्सीन लेने के लिए। तो कल मैं और एक मेरे ऑफिस में रहते राहुल भैया, उन्होंने दिया था, 2 आदमी ने वैक्सीन दिया था। और आज जो है ऑफिस के सारे आदमी जो है वैक्सीन लेने के लिए गए हुए हैं। ऑफिस में कोई नहीं है, बस मैं अकेला हूँ, और अभी मशीन चला रहा हूँ। आपको यहाँ मशीन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपको मशीन दिख भी रहा होगा, यहाँ प्रिंट चल रहा है, तो अभी मैं मशीन ही चला रहा हूँ। ये विशाल मेगा मार्ट का प्रिंट निकल रहा है, क्योंकि ये स्टोर पे काम है, तो स्टोर पे ये सारे प्रिंट क्या करना है कि लगाने के लिए जाना है, तो इस कारण से मैं अभी अकेले हूँ। और बाकी सारे कुछ लड़के हैं जो साइड पे काम करने के लिए गए हैं, और 2-4 लड़के हैं जो अभी वैक्सीन लेने के लिए गए हैं। तो वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बहुत आपको 1 दिन या 2 दिन रात को हो सकता है कि बुखार आए, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा एहसास हुआ वो पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था शरीर में। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि जैसे पूरा शरीर टूट रहा है, उठा ही नहीं जा रहा था, और बड़ा अजीब सा भी लग रहा था, पूरा बदन में दर्द सा था। मैं डर गया, लेकिन डरने वाली क्या बात है, अब तो हर कोई वैक्सीन लगवाता है, और आप भी वैक्सीन ज़रूर लगवा लेना। 1 दिन की बात है, 1 दिन थोड़ा बुखार आएगा, आपको टैबलेट पैरासीटामोल एक बाहर से ले लेना है। जैसे ही आपको बुखार फीवर सा महसूस हो, आप एक पैरासीटामोल खा लोगे, आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं यही आपको बताने वाला था, क्योंकि मैंने बताया भी था कि यदि मेरे को कुछ होता है या कुछ भी इफेक्ट होता है तो मैं आपको एक वीडियो एक ब्लॉग जरूर बनाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं अभी अपने ऑफिस में हूँ और काम ज़्यादा ही है। तो यदि मैं अभी वीडियो पे लगा रहूँगा तो फिर काम रुक जाएगा और मेरे बॉस भी फिर मेरे को सुनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।